So the first question is the graphical solution of Kennedy's equation, and the Cutter's equation is given by option A, quadratic diagram, Mohr's diagram, Kennedy's diagram, Cutter's diagram. So question पूछा गया UPSC A 2013 में. So graphical solution of Kennedy's equation and Cutter's equation is given by Garret's diagram. Option A is correct. Next question है. Lacy's resume score is given by option है R is equal to 4.75 Q की power 1 by 2, R is equal to 1.35 F upon Q square की power 1 by 3, R is equal to 1.2 Q square upon F की power 1 by 3 and R is equal to 1.5 R is equal to 1.35 Q square upon F की power 1 by 3. So question पूछा गया है UPSC 2013 and 3 में. So Lacy's resume score देव, that is R is equal to होता है 1.35 Q square upon F के पावर 1 by 3. So option D is correct. Next question है, the resume score depth for unit with discharge of 10 cubics and the silt factor of 0.9 is option A 4.80 meter, 2.96 meter, 5.6 meter, 6.50 मीटर. क्वेश्चन पूछा गया पीपीएससी 2001 में. सो यहां पे गिवन है फाइंड करना है रिजाइम स्कोर दे फाइंड करना है फॉर द यूनिट इज विड्थ ऑफ डिस्चार्ज 10 क्यूमिक्स. इट मींस स्मॉल क्यू गिवन है 10, सिल्ट फैक्टर गिवन है 0.9. सो आर इज इक्वल टू होगा दैट इज 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1 बाई 3. सो 1.35 Q square 10 square upon 0.9 की पावर 1 by 3. सॉल्व करेंगे वैल्यू आए, सो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.50 मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मीडियम सिल्ट एवरेज ग्रेन साइज टू 0.16 mm, Lacy's silt factor is likely to option is 0.3, 0.45, 0.7, 1.32. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी 2003 एंड यूकेपीएससी 2003 में. सो यहाँ पे एवरेज जो ग्रेन साइज की गिवन है, एम आर गिवन है दैट इज 0.16 एम एम, सिल्ट पार्टिकल साइज गिवन है 0.16 एम एम. तो फाइंड करना है सिल्ट फैक्टर. सो सिल्ट फैक्टर एज अकॉर्डिंग टू लेसिस क्या होता है 1.76 अंडर रूट की पावर एम आर. सो 1.76 अंडर रूट 0.16. सो 1.76 इंटू 0.4 सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 0.7. सो सिल्ट फैक्टर 0.7, ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लेसिस रिजाइम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन है क्यू एफ स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, क्यू एफ स्क्वायर की पावर 1 बाई 6, क्यू एफ की पावर 1 बाई 3 एंड क्यू अपॉन एफ स्क्वायर. क्वेश्चन पूछा गया जेपी एससी 2013 में. सो अकॉर्डिंग टू लेसिस रिजाइम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन पूछा गया है तो वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1 बाई 6. सो कह सकते हैं वी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू क्यू एफ स्क्वायर की पावर 1 बाई 6. इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनिंग्स ऑफ अ कैनाल इज नेसेसरी ऑप्शन है टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड ड्यू टू हाई वेलोसिटीज, टू मिनिमाइज द सीपेज लॉसेस, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2013 में. सो लाइनिंग जो नेसेसरी क्या होती है प्रिवेंट करने के लिए, इरोजन ऑफ बेड एंड साइड करेक्ट है ये भी, मिनिमाइज सीपेज लॉस ये भी करेक्ट है, इंक्रीज द डिस्चार्ज बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ये भी करेक्ट है. तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग लाइनिंग्स ऑफ इरिगेशन कैनाल्स ऑप्शन है मेज स्टॉप लीकेज वाटर क्रिएट्स वाटर लॉगिंग इन नियर बाय एरियाज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी 2012 and 2013 में. सो लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स मेज स्टॉप लीकेज वाटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड लाइन एलुवियल कैनाल्स इज बेस्ट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन है लेसिस फॉर्मूला, कैनेडिस फॉर्मूला, कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैनिंग्स फॉर्मूला. क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी 2012 में. सो लैंड कैनाल जो है
लुविल्स जो कैनाल डिजाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैनिक्स फॉर्मूला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेसिस डिजाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू जनरल इन, ऑप्शन ए इनिशियल डिजाइन, टू डिजाइन, फाइनल डिजाइन, बोथ ए बी एंड सी। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2013 में। सो अकॉर्डिंग टू लेसिस डिजाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द जनरल इन, टू डिजाइन एंड फाइनल डिजाइन। सो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।